मकर संक्रांति के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी कानपुर प्रेस क्लब और आयरक ने मिलकर तहरी भोज और जरूरतमंदों को गर्म कपड़ों का वितरण किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने तहरी का स्वाद चखा। कानपुर प्रेस क्लब के संरक्षक सरस वाजपेयी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी भोज का आयोजन कराया गया है। हमारा मकसद है कि इस तरह के कार्यक्रम अन्य लोगों को भी करना चाहिए। कार्यक्रम में कानपुर प्रेस क्लब पदाधिकारी अध्यक्ष अवनीश दीक्षित, महामंत्री कुशाग्र पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज अवस्थी, उपाध्यक्ष सुनील साहू, कोषाध्यक्ष अभिलाष वाजपेयी, मंत्री रमन गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ कचेरी के पी एसी मोड़ पर मनोज इंटरनेशनल पर व्यापार मंडल द्वारा मकर संक्रांति पर भव्य खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में राहगीरों और क्षेत्रीय जनता ने खिचड़ी का स्वाद चखा। कानपुर प्रेस क्लब हर बार से कई वर्षों से यहाँ पे मकर संक्रांति के पावन पर्व पर तहरी वितरण और निःशुल्क गर्म कपड़ों का वितरण करता है। कानपुर प्रेस क्लब के सदस्य बाल किशन राहू जी इस बार आयरा प्रेस क्लब के मंडल उपाध्यक्ष हुए हैं, तो इस कार्यक्रम को और भव्यता का रूप देते हुए कार्यक्रम को विस्तारित किया गया है। उसी के तहत आज तहरी वितरण और गर्म कपड़ों का वितरण किया जा रहा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इनसे प्रेरणा लेके आगे भी अन्य लोग भी ऐसे कार्यक्रमों को लिए आगे आए। खिचड़ी का प्रोग्राम मैं कराता हूँ, हम लोग सब लोग मिलकर कराते हैं, सभी व्यापारी भाई लोग मिलकर कराते हैं और समस्त क्षेत्रवासी लोग कराते हैं मिलकर। हम लोग सब लोग मिलकर बाबा कृपा से खिचड़ी प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे। मैं ये चाहता हूँ कि हर गरीब आदमी खाए और लोग खाएं, सब लोग मिलकर खाएं। कितने बजे से कितने बजे तक चलता है ये हमारा कार्यक्रम? सुबह 8 बजे लेकर रात 10 बजे तक चलता है कार्यक्रम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnewsFLASH।